बिहार में विधानसभा की कई सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। रुपौली पर उपचुनाव संपन्न भी हो गया है, चार और विधानसभा सीट भी बाकी है, कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है। इसके अलावा एक विधान परिषद की सीट है और दो राज्यसभा की सीट है। खबर सामने आ रही है कि बीजेपी और जेडीयू में, यानी नीतीश कुमार और बीजेपी में, इन सीटों को लेकर के डील पक्की हो गई है, यानी कि राज्यसभा में कौन जाएगा, विधान परिषद में कौन जाएगा और उपचुनाव की जो बची हुई चार सीट है उस पर कहां से कौन चुनाव लड़ेगा, इन तमाम बातों पर सहमति बन गई है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संजीव पाठक जी हैं, उनसे जानेंगे आखिर किस किस मुद्दों पर सहमति बनी है, कौन कहां से चुनाव लड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या जानकारी मिल रही है पाठक जी? जी, लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में दो राज्यसभा और दो विधान परिषद की सीट रिक्त हुई। विधान परिषद की एक सीट पर तो निर्विरोध भगवान सिंह कुशवाहा चुने जा चुके हैं, तो वो जदयू के खाते में गई है। और दूसरी विधान परिषद की सीट है जो विधान परिषद के पूर्व सभापति देवेश चंद्र ठाकुर, जो लोकसभा सीतामढ़ी से लोकसभा के क्षेत्र में चुनाव लड़े और जीते, सीतामढ़ी के वो सांसद बन गए, तो उनकी जगह लोकसभा उनकी जगह विधान परिषद में चुनाव होना है। ये स्नातक मतदाताओं का चुनाव है, ये स्नातक क्षेत्र से है। अब बहुत तरह की बात शुरू चल रही थी, जो कुछ ऐसी सीट है, कुछ ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीजेपी यहाँ चाहती है, जदयू राज्यसभा चाहती है, इन सब बातों पर विराम लगता दिख रहा है। क्योंकि जो अंदर की खबर सामने आ रही है, एनडीए सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, विधान परिषद की एक सीट भगवान सिंह कुशवाहा निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, वो जदयू के खाते में गई है। अब जदयू एक दूसरी सीट है विधान परिषद की, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की, विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि चूंकि जदयू के ही एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर थे तो यह जदयू के ही खाते में रहेगी। भाजपा इस दोनों सीट के लिए तैयार हो गई और राज्यसभा की जो दो सीट थी, जिसमें एक तो विवेक ठाकुर की सीट थी जो भाजपा के ही राज्यसभा सदस्य थे, दूसरी लालू यादव की बेटी मीसा भारती उनकी सीट थी जिसने रामकृपाल यादव को चुनाव में शिकस्त दिया था। अब मीसा भारती वाली सीट कायदे से वो राजद की सीट थी, लेकिन वर्तमान में जो सदन का गणित है उस गणित के अनुसार ये दोनों की दोनों सीट एनडीए के खाते में जाएगी अगर कोई खेला नहीं हो तो। हालांकि दूसरी बात पाठक जी, अगर अलग अलग चुनाव होता है तो एक बार अधिसूचना जारी हुई तो शायद नहीं जी, तब दो टर्म में चुनाव होंगे तो जी। तो अब जो स्थिति है उस स्थिति में खेला होने की भी बात आ रही है और खेला होने की भी प्रबल संभावना है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो राजद की सीट थी और राजद अंदर खाने अपना गणित बैठा रही है, जोर तोर कर रही है और अपने समर्थन की गुंजाइश तलाश रही है। अगर समर्थन की गुंजाइश मिलती है तो राजद इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश करेगा, उस समय फिर यह चुनाव दिलचस्प हो जाएगा, अन्यथा वर्तमान समय में संख्या बल के आधार पर दोनों सीट एनडीए को जाना निश्चित है। तो एक उपेंद्र कुशवाहा खुद को उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, अब
उपेक्ष बाबा, इसमें उपेंद्र कुशवाहा खुद को उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। सम्राट चौधरी ने इसका ऐलान किया है कि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी अपने कोटे से राज्यसभा भेजेगी। लेकिन लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा तो अभी नहीं हुई है ना। हाँ तब नहीं, आधिकारिक घोषणा ही इनफैक्ट कही जा सकती है, इसलिए चूंकि सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने घोषणा की, और दूसरी तरफ इस घोषणा के बाद जो उपेंद्र कुशवाहा है उनकी तरफ से भी रिएक्शन आया, और उन्होंने जी धन्यवाद भी दिया। जी जी लेकिन अभी मतलब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कह सकते हैं। हाँ, किंतु परंतु नहीं है, ये बात सही है। लेकिन राजनीति में जब तक अंतिम पत्ता खेल नहीं दिया जाता है, तब तक राजनीति में सारी संभावनाओं के लिए द्वार खुले रहते हैं। इसलिए मतलब इसके बाद भी अगर कुछ इधर उधर हो जाए तो आशा में संभव नहीं है, होना चाहिए, संभव है। संभव है, जी ये राजनीति है, इसमें कुछ भी संभव है। जी जी तो उपेंद्र कुशवाहा इस एक सीट से पर उनकी दावेदारी है, अब बच जाती है दूसरी सीट। तो दूसरी सीट भाजपा के कई दिग्गज नेता इस सीट पर आंख गड़ाए बैठे हैं। जी तो उसमें अभी भाजपा सूत्रों की माने तो अभी इस सीट पर आर के सिंह सबसे आगे चल रहे हैं, जी और आर के सिंह केंद्र की पसंद भी हैं, तो वो देखने वाली बात होगी। अभी हम लोग आते हैं विधान परिषद की सीट पर। तो विधान परिषद की जो सीट है, उस विधान परिषद की सीट में भी जदयू के कई कद्दावर नेता इस विधान परिषद की सीट पर अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं। वैसे जदयू के प्रखर प्रवक्ता अभिषेक झा मुख्यमंत्री से मिलते हुए समय का एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, और उन्होंने दावा किया है कि मेरी बात क्लियर हो गई है, मैं तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू या एनडीए के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरूंगा। हालांकि उनके इस बयान का जदयू की ओर से अभी भी कोई खंडन नहीं किया गया है, इसका मतलब है जो अंदर खाने कहीं न कहीं इनको इशारा भी मिल चुका है। जी, हम जहां तक मेरी जानकारी, इन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है बाबा। जी, ऐसी परिस्थिति में अभी तक तो कोई खंडन भी नहीं हुआ है, तो जी खंडन मौन का मतलब सहमति होता है, नहीं तो राजनीति में बयान निकला नहीं कि उस बयान के ऊपर बयान आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जी लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, तो मान के चला जाए कि ये सीट जदयू के खाते में ही रहेगी, तो विधान परिषद की दो सीट जदयू के खाते में और राज्यसभा की दो सीट भाजपा के खाते में जाने की डील तय हुई है, जाने की बात पक्की हुई है। और इसमें ये कहा जा सकता है कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में जदयू और भाजपा की बात तय हो गई है, पक्की हो गई है, जो लोग खिंचाव खींचतान की बात कर रहे थे वो बात सामने निकल कर नहीं आई है आज। तो नहीं, इसके अलावा जो 4 सीटों पर अब चुनाव होने वाले हैं, जैसे बेला, इमामगंज, बेला, रामगढ़, तरारी, तो इसमें एक तरारी सीट पर भी पेच फंसा हुआ कह सकते हैं, या इस पर भी अंदर खाने अंडरस्टैंडिंग बन गई है। एक्चुअली तरारी सीट पर बीजेपी के खाते में सीट थी वो पिछली बार 2020 में, जी, लेकिन बीजेपी को 13,000 मत मात्र आया था वहां पर, तीसरे नंबर पर रही थी बीजेपी वहां पर। और सुदामा प्रसाद जो कि आरके सिंह को हराए हैं लोकसभा चुनाव में, वो वहां के विधायक चुने गए थे, 11,000 वोटों से चुनाव जीते थे। और 2 नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुनील कुमार पांडे थे, सुनील जी पांडे जिन्होंने मुलाकात की है नीतीश कुमार से आज ही। जी तो कहा ये जा रहा है, चर्चा ये चल रही है कि शायद इसमें भी इधर उधर सीटों का की हेरा फेरी हो सकती है, मतलब बीजेपी से जेडीयू अपने पाले में ये सीट ले सकती है और बाकी जगह पे कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। तो ऐसा क्या क्या जानकारी मिलकर सामने आ रही जी तो सुनील पांडे उस क्षेत्र में जमीन से जुड़े हुए लोग हैं,
सुनील पांडे, सुनील पांडे के लिए वो क्षेत्र नया नहीं है, और सुनील वहां के विधायक आ पांडे चुके हैं वो। वहां से विधायक रह चुके हैं। अगर सुनील पांडे को एनडीए अपना उम्मीदवार नहीं बनाती है तो सुनील पांडे का चुनाव लड़ना तय, और सुनील पांडे अगर चुनाव लड़ते हैं तो फिर एनडीए प्रत्याशी के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में सुनील पांडे जदयू के उम्मीदवार होते हैं तो भाजपा किसी दूसरे सीट की मांग कर सकती है। वैसे सुनील पांडे रेस में अभी सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी इनके नाम की मुहर अभी लगती नहीं दिख रही है। चलिए कुल मिलाकर के बीजेपी और जेडीयू में या फिर चिराग पासवान के बीच में भी कहें या जीतन जी राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा के बीच में, तो अब अभी तक फिलहाल कहीं से भी कुछ अप्रत्याशित नहीं हो रहा है, सरप्राइजिंग नहीं हो रहा है, सब कुछ स्मूथ ही चल रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। और करीब करीब ये समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि सारे मतलब दोनों दलों के बीच में या घटक दलों के बीच में कौन कहाँ से किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, ये तमाम बातें पक्की हो चुकी है, डील फाइनल है पाठक जी। जी 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 यही बात है। चलिए धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा।